तो दोस्तों, अब तक हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत सारे विलन्स देखे हैं, जो कि हमारे हीरोज और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। इनमें से कई विलन्स मारे गए और कुछ कहीं गायब हो गए, पर अक्सर हमने ये देखा है कि बुरे लोग वापस आते ही है। इसीलिए आज हम जानेंगे कि वो कौन से विलन्स है जो कि फ्यूचर में एमसीयू में दिख सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ इम्पोर्टेंट विलन्स की ही बात करेंगे, जो कि या तो मर चुके हैं या फिर अभी भी जिंदा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम जो भी डिस्कशन करने वाले हैं, वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। ये जरूरी नहीं है कि मूवी में बिल्कुल ऐसा ही हो। तो पहले बात करते हैं उन विलेंस की जो कि अभी जिंदा है और वो आने वाली किसी मूवी या टीवी शो में दिख सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम उसका है जिसे शायद कई लोग भूल चुके होंगे। ये एक ऐसा विलेन है जिसने अपने हल्क को भी पछाड़ दिया था, और वो है एबोमिनेशन। एमसीयू की सेकेंड मूवी द इनक्रेडिबल हल्क में दिख चुका ये विलेन अभी भी जिंदा है। एमिल ब्लॉन्स्की यानी एबोमिनेशन ताकत के मामले में हल्क से भी आगे है, और वो हल्क को मार सकता था, लेकिन हल्क ने अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए एबोमिनेशन से मुकाबला करके उसे हरा दिया, पर हल्क ने उसे जिंदा छोड़ दिया था। अपना हल्क तो अब गुस्से वाला खतरनाक प्राणी नहीं रहा, लेकिन ब्लॉन्स्की यानी एबोमिनेशन अभी भी जैसा का वैसा ही है। वो अलास्का में शील्ड की एक सीक्रेट फैसिलिटी में कैद है। उसे क्रायोजेनिक स्टेट यानी बर्फ में जमा के रखा गया है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि शील्ड और हाइड्रा हमेशा से एक ही थे, तो इसका मतलब ये है कि एबोमिनेशन अभी हाइड्रा के हाथों में है और वो लोग चाहे तो उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला विलन है रेड स्कल। योहान श्मिट, जो कि एक जमाने में हाइड्रा का लीडर था, उसे उसके बुरे इरादों की वजह से एक ऐसा श्राप मिला कि वो सीधा वॉर्मिल प्लैनेट पर जा पहुंचा, और वहां वो सोल स्टोन का रखवाला बन गया। वो सोल स्टोन की तलाश करने वाले लोगों को गाइड करता था, लेकिन हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा कि थेनोस ने सोल स्टोन हासिल कर लिया था, और बाद में उसने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को तबाह कर दिया। और अब जब सोल स्टोन वॉर्मिल पर नहीं है और वो स्टोन तबाह हो चुका है, इसलिए अब रेड स्कल का श्राप भी खत्म हो गया है और वो आजाद हो चुका है। श्मिट ने जहाँ से टेसरे क्यूब हासिल किया था, वहाँ उसे एक किताब भी मिली थी, बुक ऑफ यग्ड्रासिल। एसगार्ड की इस जादुई किताब में ब्रह्मांड के कई सारे रहस्य की जानकारी है। उसी की वजह से रेड स्कल को सोल स्टोन और बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में पता चला था, इसीलिए अब वो वापस आकर उस किताब की मदद से बहुत कुछ कर सकता है। अगला विलन है डोरमामू। अंधेरी दुनिया का ये बादशाह, जो कि हर डायमेंशन पर कब्जा करना चाहता है, उसे मारना लगभग इम्पॉसिबल है। जब डोरमामू इस दुनिया पर कब्जा करने आया था, तब डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे टाइम लूप में फंसा दिया था। फिर मजबूरी में उसे डॉक्टर स्ट्रेंज से ये सौदा करना पड़ा कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन अब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन नहीं है, और डोरमामू इतना ईमानदार तो है नहीं कि वो अपने वादे पर टिका रहे, इसलिए अब डोरमामू के वापस आने के चांस बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि वो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखे। अगला विलन है हेलमेट ज़ीमो। ज़ीमो वैसे तो एक साधारण इंसान है, लेकिन इस आदमी ने अकेले ही बहुत बड़ा कांड किया है। ज़ीमो ने एवेंजर्स की पूरी टीम को तोड़ के कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के बीच झगड़ा करवा दिया था। ये सब करके वो आखिर में सुसाइड करने वाला था, लेकिन ब्लैक पैंथर ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ज़ीमो काफी टाइम से जेल में था, पर अब वो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर टीवी शो में दिखने वाला है, वो भी अपने कॉमिक बुक वाले लुक में। ज़ीमो को एक छोटा विलन समझना गलती होगी। ये आदमी अपने खतरनाक दिमाग से बहुत कुछ कर सकता है। अब देखना है कि वो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में क्या क्या करता है। अगला विलन है वल्चर। एड्रियन टूम्स यानी वल्चर स्पाइडरमैन का फेमस विलन है। स्पाइडरमैन होमकमिंग में पीटर ने वल्चर को काफी परेशान किया और उसका धंधा बंद करवा दिया, और अब स्पाइडरमैन की बदौलत वल्चर जेल में है। लेकिन वो हार नहीं मानने वाला, वो स्पाइडरमैन से बदला जरूर लेगा। वल्चर का वापस आना कन्फर्म है। मॉर्बियस के ट्रेलर में हम उसे देख चुके हैं। र्यूमर्स है कि वल्चर अपनी एक टीम बना रहा है जिसका नाम है सिनिस्टर सिक्स। सिनिस्टर सिक्स स्पाइडरमैन के विलेंस का एक ग्रुप है। इस टीम के एक और मेंबर स्कॉर्पियन को हम स्पाइडरमैन होमकमिंग में देख चुके हैं। ये सब तो हुई उन विलेंस की बात जो कि अभी जिंदा है। अब बात करते हैं उन विलेंस के बारे में जो कि मर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो वापस आ सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला विलेन है अल्ट्रॉन। बेशक अल्ट्रॉन मूवी के एंड में डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन अभी भी उसके वापस आने की उम्मीद है। एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में हमने देखा था कि विजन ने अल्ट्रॉन को इंटरनेट से डिलीट कर दिया था। इसके बाद एवेंजर्स ने अल्ट्रॉन के सभी रोबोट्स को मार दिया ताकि वो वापस ना आ सके। लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो अल्ट्रॉन जैसा इंटेलिजेंट प्रोग्राम इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। हो सकता है कि अल्ट्रॉन ने पहले से ही अपनी कुछ कॉपीज को कोई खास जगह सेव किया हो ताकि वो पूरी तरह डिलीट ना हो सके, या फिर वो अपने बचे हुए मलबे में से किसी तरह रिकवर हो जाए। अगर अल्ट्रॉन अब वापस आया तो वो इस बार आसानी से हारेगा नहीं। इसके बाद है हेला। थॉर की ये बड़ी बहन एमसीयू की बहुत दमदार विलेन साबित हुई है। उसने पूरे एसगार्ड और थॉर को हिला के रख दिया था, लेकिन अंत में हेला सटर के हाथों मारी गई। पर मौत की देवी हेला का इतनी आसानी से मरना, ये काफी हैरानी की बात है। थॉर की तरह हेला को भी उसकी शक्ति एसगार्ड से मिलती है, पर एसगार्ड के तबाह होने के बाद भी थॉर के पास उसकी शक्ति थी। ओडिन ने कहा था कि एसगार्ड वहां पर है जहां उसके लोग हैं,
मतलब एसगार्ड के लोगों की वजह से थॉर को उसकी शक्ति मिल रही है। इसका मतलब जब वो एसगार्ड तबाह हुआ तब हेला भी मरी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ के लोग अभी भी जिंदा है, इसीलिए हेला भी जिंदा हो सकती है और वो वापस आ सकती है। अगला विलेन है थैनोस। अब सब लोग ये सोचेंगे कि थैनोस जिंदा कैसे हो सकता है जबकि वो तो धूल बनकर गायब हो गया था, लेकिन हमें ऑफिशियली ये बताया गया है कि धूल बनकर गायब होने में और दूसरे तरीके से मरने में बहुत फर्क है। जब थैनोस ने चुटकी बजाकर यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को धूल बना दिया था तब वो सब लोग मरे नहीं थे बल्कि उनकी फिजिकल कंडीशन चेंज हो गई थी। इस बात का सबूत ये है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन से फ्यूचर देखा था तब उन्होंने अपने धूल बनने के बाद का भी भविष्य देखा था, जबकि टाइम स्टोन से खुद के मरने के बाद का फ्यूचर नहीं देखा जा सकता। इसका मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज मरे नहीं थे इसीलिए वो फ्यूचर देख पाए। इसी तरह से जब आयरन मैन ने भी चुटकी बजाई तब थैनोस और उसके साथी मरे नहीं बल्कि उनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। हालांकि अब इन्फिनिटी स्टोन्स तबाह हो चुके हैं, लेकिन अगर किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे कि ये धूल बने हुए लोगों को ठीक किया जा सके तो थैनोस वापस आ सकता है। अगला विलेन है मिस्टीरियो। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में दिख चुका ये विलेन अपने इल्यूजन टैक से किसी को भी धोखा देने में माहिर है। जब स्पाइडरमैन और मिस्टीरियो की आखिरी लड़ाई चालू थी तब मिस्टीरियो को एक ड्रोन की गोली लग गई थी जिसके बाद वो मर गया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें मिस्टीरियो का एक वीडियो देखने को मिला जिसमें उसने स्पाइडरमैन पर कुछ इल्जाम लगाकर उसकी पहचान सबको बता दी। यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि मिस्टीरियो ने मरते मरते इतना सब कुछ कैसे कर लिया। इसका जवाब ये हो सकता है कि मिस्टीरियो ने ये सब मरने से पहले नहीं बल्कि मरने के बाद किया है। मेरा मतलब मिस्टीरियो मरा ही नहीं है, उसने सिर्फ मरने का नाटक किया है। पीटर ने मिस्टीरियो के मरने के बाद एडिथ से ये पूछा था कि क्या सारे इल्यूजन्स खत्म हो गए हैं, तो एडिथ ने हाँ कहा था, लेकिन पीटर ने ये सवाल नहीं पूछा था कि क्या मिस्टीरियो मर चुका है। इसका मतलब मिस्टीरियो जिंदा हो सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्पाइडरमैन की स्टोरी में हमें सिनेस्टर सिक्स दिखने वाले हैं, इसीलिए मिस्टीरियो की जिंदा होने वाली बात सही लग रही है क्योंकि मिस्टीरियो सिनेस्टर सिक्स का एक मेंबर है। सबसे आखिरी विलन है हम सबका फेवरेट लोकी। लोकी जो कि कई बार मरने का नाटक कर चुका है, इस बार वो थैनोस के हाथों सच में मारा गया। लेकिन अब लोकी का एक टीवी शो आने वाला है। इस टीवी शो में वो लोकी नहीं दिखेगा जो कि इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत में मरा था, बल्कि इस शो में वो लोकी दिखने वाला है जो कि एंड गेम में टेसरे क्यूब लेकर भाग गया था। लोकी के टेसरे क्यूब चुराने की वजह से एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन गई थी। ये टीवी शो उसी टाइमलाइन पर बेस्ड है। यहाँ पर लोकी टेसरे क्यूब का यूज करके काफी सारे हंगामे करने वाला है। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो उन विलन्स के बारे में जो कि एमसीयू में रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। The clock is ticking, but there's no time for me.